नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अगर अभी पेटीएम चलाते हैं और दोस्तों अगर अभी पेटीएम एप्लीकेशन से बिजली का बिल भरना चाहते हैं, ऑनलाइन पेमेंट जमा कराना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको पूरा स्टेप बाय प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप पेटीएम एप्लीकेशन का यूज़ करके बिजली का बिल भर सकते हैं, बिजली का बिल जमा करा सकते हैं। दोस्तों बिजली का बिल यहाँ पे जमा कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करने के लिए यहाँ पे पेटीएम एप्लीकेशन से आप आसानी से केवल 2 से 3 मिनट में पूरा अपना बिजली का बिल घर बैठे ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। यहाँ पे जो भी स्टेट का आपको बिजली का बिल जमा कराना है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, पंजाब, बिहार, जो भी आपका स्टेट है, किसी भी स्टेट का आप बिजली का बिल ऑनलाइन जमा करा सकते हैं पेटीएम एप्लीकेशन की मदद से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, आपको बता दूँ कि कैसे आप पेटीएम एप्लीकेशन की मदद से बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करना है। पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे दबाएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको बोलेगा रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स, तो यहाँ पे बोलेगा मोबाइल रिचार्ज, रेंट वी या क्रेडिट कार्ड, डीटीएच रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट जो बोर्ड्स यहाँ पे दिखाई दे देते हैं, जैसे अजमेर विद्युत वितरण का है, बीकानेर का है, जयपुर का है, जोधपुर का है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये ऑटोमेटिकली आपका स्टेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली लेगा। जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ तो इसने ऑटोमेटिकली मेरा राजस्थान ले लिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर आपका कोई दूसरा स्टेट है, आसाम है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है, गुजरात है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, तो आप अपने हिसाब से इसको चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे राजस्थान आ गया है ऑटोमेटिकली, तो मैंने राजस्थान यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। राजस्थान सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इस तरह से आपको अपना स्टेट चूज़ कर लेना है। स्टेट चूज़ करने के बाद आपका जो बिजली बोर्ड है वो यहाँ पे चूज़ कर लेना है। जैसे अगर आपका भरतपुर का है, बीकानेर का है, जोधपुर का है, जयपुर का है, कोटा का है, जो भी है आपका, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अजमेर का है, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, अजमेर, भरतपुर। यहाँ पे दोस्तों मेरा जो है JVVNL है, यानी कि जयपुर का है, जयपुर विद्युत वितरण निगम, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ये बोलेगा, देखिए ऊपर ऊपर आपका स्टेट आ जाता है, नीचे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आ जाता है, इसके बाद रेगुलर बिल पेमेंट आ जाता है। इसके बाद दोस्तों ये बोलेगा आपको के नंबर आपका क्या है, तो यहाँ पे आपको 12 डिजिट का आपको यहाँ पे अपना के नंबर डालना होता है। जो आपका बिजली बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है उसमें जनरेट होता है, वहाँ पे आपके ऊपर ऊपर आपका के नंबर लिखा होता है, 12 डिजिट का होता है, वो यहाँ पे आपको डाल देना है। व्यू सैंपल बिल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की यहाँ पे जो है पेज दिखा देगा। यहाँ पे देखिए जो भी आपका बिल आता है वहाँ पे आपको इस तरह का कुछ यहाँ पे लिखा आता है, RSN नंबर जो होता है, सेवा क्रमांक, उससे ऊपर आपका के नंबर आता है। तो इस तरह से आपको अपना के नंबर यहाँ पे दिख जाएगा, तो अपना के नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। चलिए मैं अपना के नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैंने जो अपना के नंबर यहाँ पे डाल दिया। के नंबर डालने के बाद यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कि किसके लिए बिल है, ये घर का है, होम का है, ऑफिस का है, तो अदर है, तो यहाँ पे होम मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड वाले बटन पे जब क्लिक करेंगे दोस्तों ये थोड़ा लोड लेगा और यहाँ पे जो है आपका जो है बिल अमाउंट यहाँ पे आ जाता है कि कितना बिल अमाउंट है। तो मेरा जो है बिल अमाउंट 2886 है, 2886 का बिल है। ड्यू डेट है इसकी 16 तारीख की और यहाँ पे बिल डेट है ये और कंज्यूमर नंबर ये है। तो दोस्तों ये सारी डिटेल आपको मैच कर लेनी है। मैच करने के बाद मेक श्योर कि ये सारी डिटेल आपकी ठीक होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है यहाँ पे अप्लाई कैशबैक ऑफर पे आप क्लिक कर सकते हैं और आपका कोई कैशबैक ऑफर अगर आपको कोई अप्लाई करना है तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने ये वाला अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद प्रोसीड टू पे वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड टू पे वाले बटन पे जब क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको ये पूछेगा कि आपको जो है आपका पेटीएम वॉलेट के थ्रू पैसे पेमेंट करना है या आपको बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट करना है या फिर आपको नेट बैंकिंग करनी है या UPI करनी है। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अब दोस्तों मैं जो है यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट के थ्रू करने वाला हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसको पेटीएम बैंक बैलेंस का हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट के थ्रू करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट मेरा सेलेक्ट कर लिया। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे UPI पिन यहाँ पे डालना है, तो मैं अपना UPI पिन डाल देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अपना UPI पिन यहाँ पे डाल दिया। UPI पिन डालने के बाद दोस्तों ये पेमेंट यहाँ पे प्रोसेसिंग होता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है पेमेंट यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रहा है और ये पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बिल पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ पे लिखा आ जाता है। और व्यू डिटेल्स पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है जयपुर विद्युत वितरण निगम का यहाँ पे जो है पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब दोस्तों अगर आप बैक आएंगे, बैक आने के बाद आप जो है अपनी हिस्ट्रीज के अंदर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो बैलेंस एंड हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको आना है चेक करने के लिए। बैलेंस एंड हिस्ट्री पे ऑप्शन पे जब आप आएंगे तो नीचे आएंगे और यहाँ पे देख सकते लिखा हुआ है बिल पेमेंट फॉर जयपुर विद्युत वितरण, यानी कि बिजली बिल मैंने यहाँ पे घर बैठे ऑनलाइन यहाँ पे जमा करा दिया पेटीएम एप्लीकेशन की मदद से। तो दोस्तों इस तरह से आप पेटीएम एप्लीकेशन की मदद से अपना जो बिजली का बिल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन है, सुझाव है, नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चले मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बोलते रहे हमारा देश मुझे मुलनाथ।